नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। गणित यानी कि मैथ्स का विषय एक ऐसा विषय है जिसे समझ लो तो बेहद आसान वरना बहुत मुश्किल। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नाम सुनते ही ज्यादातर बच्चे परेशान हो उठते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कागज पर लिखे कुछ जवाबों के बदले मिले अंक क्या जिंदगी का गणित बदल सकते हैं? जावेद मियां, मैं जानता हूं तुम इस बोर्ड पे अपने बेटे का नाम लिखा हुआ देखना चाहते थे। खैर आप फिक्र ना करें, इस बार अगर बशीर ने 12th पास कर ली ना, उसकी नौकरी पक्की। मैं मैनेजमेंट से बात करके उसकी प्यून की नौकरी तो पक्की करवा दूंगा, उसके बाद आपकी सारी परेशानी खत्म। बशीर, बोर्ड का एग्जाम है, अच्छे से बिस्मिल्ला करना। जी भाईजान। बेटा सब तैयारी हो गई है ना? हाँ जी अब्बू। इस बार ना किसी से कुछ पूछना और ना ही बताना, अपना इम्तिहान देना अच्छे से दिल लगाकर। हाँ एकदम ध्यान से पेपर लिखना। या अल्लाह इस बार इस पे रहम कर दे, ये तो कभी मेहनत करेगा ही नहीं। तू ही थोड़ा करिश्मा दिखा दे, पिछले 3 साल से एक ही जगह पे अटका है और तेरी उम्र के सारे लड़के कमाने भी लग गए हैं। रुकैया, वालेकुम अस्सलाम अकरम भाई, क्या हाल है? आज नहीं हो भाई अकरम भाई, आज माफ कर दीजिए, हम पक्का आपसे मिलेंगे, आपके साथ बैठेंगे और आपका काम भी करवा देंगे। अभी हमें देर हो रही है एग्जाम के लिए, ठीक है? अल्लाह हाफिज। बशीर बेटा तैयार है ना तू? देख टाइम हो रहा है, लेट मत होना और अच्छे से इम्तिहान देना। हाँ अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और हाँ, अगर इस बार तू पास हो गया ना तो कैसे भी करके तुझे मोटरसाइकिल जरूर दिलवाऊंगा। अरे चचा जान, इतना यकीन है तो शाम को मोटरसाइकिल आने की खुशी में 2 किलो बर्फी ले आए। दूर के रिश्तेदार हो, दूर ही रहा करो। अरे अपनी उम्र देखो और बशीर की उम्र, तुम 25 साल के हो, ना जाने कितनी बार इम्तिहान देकर भी पास नहीं हुए। अपना साया भी मत पड़ने देना मेरे बशीर पर। अरे बशीर मियां कहाँ हो, बहुत देर हो रही है यार, जल्दी आओ। बशीर देर भाईजान, 2 साल तो हो गए एग्जाम देते देते, और कितनी देर होगी? चलो चलो जल्दी आओ भाईजान, ये मैथ्स पेपर से छुटकारा नहीं मिलता, आखिर के साथ जिंदगी में काम क्या आप बताओ? अरे वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वही आके गाड़ी अटक जाती है और फेल हो जाते हैं। अरे मियां सुहागरात में जाने से पहले पिछली बीवी से हुए तलाक के बारे में क्यों सोचते हो? हैं क्या जिंदगी में सफल होने का और कोई तरीका नहीं है? क्या हमारी काबिलियत सिर्फ हमारे सर्टिफिकेट्स तक ही सीमित है? हमने अपने बनाए हुए सिस्टम का बोझ अपने बच्चों के कंधों पर इस तरह से डाल दिया है कि बस्तों के वजन तले उनके सपने खो गए हैं, उनके रास्ते बिखर गए हैं। मेहनत करके 10वीं 12वीं तक पहुंचने वाले कई बच्चे अक्सर इस सब्जेक्ट में पीछे रह जाते हैं। आखिर कब तक हमारा देश क्वालिटी एजुकेशन के बदले क्वांटिटी एजुकेशन पर जोर देता रहेगा? आप हमारी परेशानी बांट नहीं सकते तो बढ़ाइए तो मत। आपको इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है,
आपकी परेशानी हमने नहीं आपके लाड सामने बढ़ा रखी है, और 24 घंटे आप हम पर ही गुस्सा होते रहते हैं। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है जो हम इस घर में आए। हाँ फरदीन, अब्बू बशीर घर पहुंचा कि नहीं? अब्बू मैंने मोहल्ले में सब जगह देख लिया मगर उसका कहीं कुछ पता नहीं। नहीं, वो अभी तक नहीं आया, लेकिन इतनी देर तक तो वो कहीं बाहर नहीं रहता। हमें कुछ गड़बड़ लग रही है। अब्बू फिर से फेल होने के डर से कहीं भाग भाग तो नहीं गया बशीर? कहीं उसने खुद को कुछ करना लिया हो। खाना खा लीजिए, दो बार खाना गर्म कर चुके हैं, इस बार नहीं करेंगे, आराम सोने जा रहे हैं। यहाँ इतनी बड़ी आफत आ गई है, बशीर का कुछ पता नहीं चल रहा, तुम्हें खाने की पड़ी है, नींद आ रही है ना? जाओ खा पी करके सो जाओ तुम। अरे भाईजान क्या हो, क्या क्या आप रुकैया भाई पर ऐसे चिल्ला क्यों रहे? कुछ नहीं असलम, वो 12 बजने को आ गया, बशीर का कुछ पता नहीं कहाँ पे है वो, और ऐसे में उस औरत को खाने की लगी हुई। बस इतनी सी बात है? अरे भाई जान बशीर 20 साल का लड़का है, खुद दूध पीता बच्चा थोड़ी है, गया होगा दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे, आ जाएगा, और वो तो फिर भी शरीफ है। इस उम्र में हम तो सिर्फ ईद के दिन घर पर पाए जाते थे। सब तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं होते ना इसलिए, और खुदा के वास्ते हमारे घर के मामलों में दखल देना बंद करो। अच्छा अच्छा, आपके घर के मामलों में दखल देना कौन चाहता है, चलिए चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। फरदीन बेटा बहुत देर हो गई है, हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। देखिए जावेद जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें 24 घंटे पूरे होने का इंतजार करना चाहिए, शायद बशीर खुद ही घर चला है। सर हमारा बेटा इतनी देर तक घर से बाहर रहने वालों में से नहीं है, और अगर उसे बाहर कुछ काम भी होता ना तो हमें खबर जरूर करता। हमने उसके दोस्त सादिक के घर जाकर भी बशीर के बारे में पता किया। सलाम अलैकुम चाचा। वालेकुम सलाम। बेटा सादिक है क्या घर पे? नहीं, वो तो सुबह से घर आया नहीं। वसीम भाई रात के 11 बज गए, आपको सादिक की कोई फिक्र नहीं है? अरे इसमें फिक्र की क्या बात है, लड़का है, जवान है, गया होगा कहीं घूमने फिरने, आप लोग की फिक्र मत करिए, आराम से घर जाइए, आ जाएंगे दोनों। जवान बेटा अब तक घर नहीं लौटा और आप आराम करने की बात कर रहे हैं? सिम भाई आप भी ना, फरदीन चल कहीं और देखते हैं। सर हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है सर। देखिए हम समझ सकते हैं कि आपको अपने बेटे की चिंता हो रही है, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि बोर्ड के रिजल्ट के दिनों में बच्चे डर के मारे कहीं चले जाते हैं मगर पास होते ही वापस भी आ जाते हैं। बशीर के केस में भी हमें यही पॉसिबिलिटी लग रही है, लेकिन आप लोग चिंता ना करें, सुबह होते ही हम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। हाँ मेरी बात गौर से सुनो, मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, अब हमें जल्दी कुछ करना होगा। मैंने तुम्हें पहले भी समझाई थी लेकिन तुमने मेरी बात सुनी नहीं, अब जो करना है जल्दी करो प्लीज। हाँ हाँ ओके। बशीर के यूं अचानक गायब हो जाने से पूरा परिवार परेशान था, पुलिस की सलाह थी कि 24 घंटे पूरे होने तक बशीर का इंतजार किया जाए। जवान बेटे की गुमशुदगी से जहां जावेद और फरदीन परेशान दिखाई दे रहे थे, वहीं बशीर की भाभी रुकैया किसी से खुफिया बातें कर रही थी। वो किससे बातें कर रही थी और बशीर का मामला पुलिस तक पहुंचने से उसे क्या तकलीफ थी? सर हमने बशीर के मोहल्ले में पूछताछ की, सबका यही कहना है कि उसका किसी के साथ में कोई झगड़ा नहीं था, और हाँ सर बशीर के घर वालों का भी यही कहना है। एक बात और सर, ये बशीर का एक दोस्त है सादिक, ये भी 12th में 2 बार फेल हो चुका है, दोनों साथ में घूमते हैं और साथ में पढ़ाई करते हैं। फौरन सादिक से मिलो, दोस्त है, बशीर ने जरूर उसको कुछ बताया होगा, और हाँ बशीर के घर वालों से भी मिलो, कहीं ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई के चलते बशीर के घर वालों ने बशीर पे प्रेशर बनाया जिसके चलते बशीर खुद घर छोड़ के चला गया। यस सर। क्या हुआ साहब? साहब सादिक कल दोपहर से घर नहीं लौटा है। बशीर भी कल दोपहर से घर नहीं लौटा है। पता है साहब, कल उसके अब्बा जावेद और उसका भाई फरदीन दोनों घर पे आए थे, दोनों बशीर के बारे में पूछ रहे थे। आपका बेटा सादिक कल दोपहर से लेकर अब तक घर नहीं पहुंचा, आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? वो शुरू से ही ऐसा है, देर रात को घर लौटता है, 2 बार 12वीं में फेल हो चुका है। साहब ये मेरी छोटी बेटी नफीसा है। सर सादिक के घर वालों से बात की, सादिक भी कल दोपहर से घर नहीं लौटा है। मिश्रा हो सकता है कि दोनों साथ में हैं। दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन चेक करो, पता करो कि दोनों कल से कहाँ हैं।
ओके सर। बशीर और सादिक पहले भी बोर्ड एग्जाम्स में फेल हो चुके थे और इस बार उन दोनों पर एग्जाम का प्रेशर कुछ ज्यादा ही था। रिजल्ट के ठीक 3 दिन पहले दोनों अचानक कहां गायब हो गए? क्या वो दोनों फेल होने के डर से खुद कहीं चले गए थे या फिर उनके लापता होने के पीछे कोई और ही कहानी थी? सर, हमने सादिक और बशीर के फोन के लास्ट लोकेशन पर जाकर चेक किया लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। और सर, कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से इन दोनों की अधिकतर बात किसी उस्मान और असलम से हुई है। एक बात और सर, बशीर के कॉल रिकॉर्ड्स में असलम का नंबर 80 बार डायल हुआ है। इशा, बशीर के अब्बा जावेद से पता करो कि असलम और उस्मान आखिर हैं कौन। यस सर। आप किसी असलम और उस्मान को जानते हैं? जी, उस्मान को तो नहीं, लेकिन असलम हमारे चचेरे भाई का बेटा है, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई खास वजह? वो एक नंबर का निकम्मा और आवारा है, मास्टर बना घूमता है। आप ही सोचिए, जो आदमी खुद फेल हुआ करता था वो बच्चों को क्या तालीम देगा? तालीम देगा मतलब? बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। बशीर गायब होने से पहले वो सबसे ज्यादा असलम के कॉन्टेक्ट में था और ऐसा लगता है कि भले ही असलम से आपका कोई लेना देना नहीं है लेकिन आपके बेटे का जरूर उससे लेना देना था। कहीं बशीर को आप लोग पढ़ाई के लिए तो प्रेशराइज नहीं कर रहे थे इसलिए वो घर से चला गया? नहीं नहीं साहब, हमने कभी नहीं किया। ये असलम कहाँ रहता है? जी, इसी मोहल्ले में। सर, बशीर तो हमारा भाई है पर सादिक के बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है। बस इतना जानते हैं कि सादिक और बशीर अच्छे दोस्त हैं। तो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हो तुम? हाँ सर, हम कोचिंग क्लास चलाते हैं। ये मिठाई हमारे कोचिंग के पास हुए बच्चे ही तो लेकर आए हैं। 12th में सबसे ज्यादा नंबर हमारी कोचिंग के बच्चे ही लेकर आते हैं। जब तुम खुद 12th में पास नहीं हो सके तो दूसरों कैसे पास करवाते? चलो बच्चों, तुम लोग चलो, मैं तुम लोग को बाद में बुलाता हूँ। सर, वो क्या है ना, एग्जाम्स खेल की तरह होते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोच अच्छा खिलाड़ी हो। ये बशीर तुमको इतने कॉल्स क्यों कर रहा था? उसके कॉल रिकॉर्ड में हमारे नंबर पर 80 कॉल्स थे। सर, भाई है हमारा, हमें कॉल करेगा। इतने कॉल्स? उसका एग्जाम था, एग्जाम के लिए हमें कॉल किया करता था। हम कोचिंग चलाते हैं तो पढ़ाई के बारे में जो भी पूछना होता था हमें पूछता था। सर, वसीम को उस्मान और असलम के बारे में कुछ भी नहीं पता और ये असलम जावेद का दूर का रिश्तेदार है। मेरी असलम से बात हो गई है, वो ट्यूशन क्लासेस चलाता है। मैंने उस्मान के बारे में भी पता किया है, वो एक हिस्ट्री शीटर है, उधारी पे पैसे देने का काम करता है। फिलहाल तो शहर से बाहर है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। एक आदमी को बोले इस पे नजर रखे। यस सर। हेलो, ठीक है सर, पुराने खंडर के पास एक लाश मिली है। सर, लाश को देखकर तो ऐसा लगता है कि किसी 20 से 21 साल के लड़के की लाश हो। जेबें चेक करो। सर, आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ भी नहीं मिला बॉडी से और लाश को देखकर ऐसा लगता है कि जानवरों ने कई जगह से खाया है। सर, दावे के साथ तो नहीं कह सकते पर हो सकता है सादिक या बशीर में से कोई हो। दुबे, सर्च करो, ऊपर भी देखना, शायद कुछ मिले। सर, बशीर और सादिक के घर वालों को शिनाख्त के लिए बुलवाओ। यस सर। बशीर, जी अब्बा। बेटा, मैं ये नहीं कहता कि तू 100 में से 100 नंबर ले, 35 भी लाएगा ना तो मेरे लिए काफी। बस किसी तरह निकल जा, आगे अल्लाह मालिक। अबू, मैं इस बार आपको बिल्कुल मायूस नहीं करूंगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं, जितना हो सकता है उतना कर। तेरे अब्बू तेरे साथ है ना। थैंक यू अब्बू, थैंक यू हिम्मत देने के लिए। मैं ये बार ये इम्तिहान आपके लिए जरूर क्लियर करूंगा। जा
अबे चाचा कहाँ खोए हुए हैं? फोन बज रहा है कब से आपका? हेलो हेलो क्या हमें लाश पे से कुछ कपड़े मिले? सर ये कपड़े मेरे बशीर के नहीं। पुलिस को मिली लाश को जानवरों ने काफी नुकसान पहुंचाया था। बॉडी के कपड़ों से वसीम ने उसकी पहचान सादिक के रूप में कर दी। सर सादिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर सादिक का मर्डर हुआ है। सर सादिक की मौत ऊंचाई से गिरने की वजह से नहीं बल्कि सर पर किसी भारी चीज से वार करने की वजह से हुआ है। और हाँ सर, बॉडी पर घसीटे जाने के भी निशान है। इसका मतलब पहले सादिक को मारा गया, फिर उसकी लाश को घसीट के खंडर के ऊपर ले जाया गया, फिर उसे नीचे फेंक दिया गया ताकि ये एक एक्सीडेंट लगे। लेकिन सर सादिक को मारेगा कौन? बशीर, क्योंकि बशीर अब भी लापता है। हो सकता है कि बशीर ने सादिक का खून किया और पकड़े जाने के डर से कहीं चला गया। लेकिन सर सादिक और बशीर तो अच्छे दोस्त हैं, और बशीर सादिक को क्यों मारेगा? सर कहीं ऐसा तो नहीं सादिक के कत्ल में और बशीर के गायब होने में उस्मान का हाथ हो? क्योंकि वो अब भी गायब है। कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से इन दोनों की अधिकतर बात किसी उस्मान और असलम से हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को साथ में मारा गया, जिसमें से सादिक की लाश हमें मिल गई लेकिन बशीर की लाश अब तक नहीं मिली। मिश्रा एक काम करो, इस उस्मान की तलाश तेज कर दो, अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट करो और सादिक और बशीर से जुड़े जितने भी लोग सबसे एक बार फिर से पूछताछ करो। यस सर। बशीर अच्छे से खाओ, देखो तुम्हारे अब्बू तुम्हें कितने प्यार से खिला रहे हैं। और ये सब भी लेके आई हूँ मैं तुम्हारे लिए, सब सब खत्म कर देना। बाप भाई के कमाई के शीर कुरमे में मिठास तो बहुत होगी ना बशीर, है ना? हाँ भाभी जान, मिठास तो काफी है, लेकिन अगले साल हम अपनी कमाई से खिलाएंगे सबको। उस शीर कुरमे के साथ आपकी जबान भी मीठी हो जाएगी। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। अब हमारा यहाँ दम घुटता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से लेके चले जाओ। शुक्र मनाओ कि वो भी लापता है। अगर वो वापस आ गया ना तो हमारा सारा खेल चौपट हो जाएगा। अरे कितना काम करेंगे जावेद चाचा, अभी आराम भी कर लिया कीजिए। लाइए मैं कर देता हूँ। हमारा काम है हम ही करेंगे। अरे मैं कर देता हूँ ना। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एक बार बस हमारा बशीर वापिस आ जाए फिर उसे काम पर लगाकर आराम ही करेंगे। आप फिक्र न कीजिए जावेद चाचा, बशीर जल्दी ही वापस आ जाएगा। सर सर बशीर की लास्ट लोकेशन से तो कुछ हाथ नहीं लगा है, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड्स को हमने एक बार फिर से खंगाला है और एक नंबर ऐसा सामने आया है जिस पर बशीर की बात हुई थी। जब हमने उस नंबर पर कॉल किया तो पता चला वो किसी रिक्रूटमेंट ऑफिस का नंबर है। जी सर, बशीर नाम का एक लड़का हमारे पास आया था, तो ये उसका फॉर्म। सर कुवैत में अच्छी जॉब पाने के लिए हमारे पास आया था। सर एडवांस के तौर पे उसने 40,000 हमारे पास जमा करे। अब मुझे याद है कि मैंने उसको कहा था कि अगर कुवैत में जॉब पानी है तो 12th की बोर्ड एग्जाम पास होना बहुत जरूरी है। पैसे बशीर के पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? उसे तो जेब खर्च भी हम दिया करते थे,
हाँ साहब, 40,000 तो बहुत मोटी रकम हो गई। इतने पैसे तो हमारे घर में कभी नहीं होते। तो बशीर के पास इतने पैसे आए कहाँ से, और बशीर को इतने पैसे देगा कौन? सर हमें कुछ नहीं पता। बोल रहे हैं ना, हम बाद में बात करते। सर ये रुकैया का बिहेव मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। एक आदमी तैनात करो, इस रुकैया पे भी नजर रखो। देख, अपने अब्बू से कभी कुछ मत छुपाना। बस तू पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कर, जी जान से कोशिश कर, क्योंकि कोशिश कभी नाकाम नहीं होती। और तुझे जब भी जरूरत पड़े हमें बताना, दिल में मत रखना। अरे पगले, अभी हम हैं ना। अच्छा चल, रख ये किताब, रख, सो जा और सुबह उठकर पढ़ाई करना। सादिक की लाश मिलने के बाद अब पुलिस को बशीर की तलाश थी। बशीर क्यों इस तरह से घर से दूर भटक रहा था और क्या हुआ था उसके साथ? आखिर रुकैया किसके साथ और कहां भागने की फिराक में थी? क्या सादिक की मौत से और बशीर के लापता होने से उसका कोई कनेक्शन था? और ये उस्मान कहां गायब हो गया था? क्या उसका इस सब से कोई लेना देना था? फरदीन, क्या 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 हुआ? सब ठीक तो है ना? तू इतना हाफ क्यों रहा है? अबू अपना हमारा बशीर पास हो गया। क्या बशीर पास हो गया? पास हो गया। अबू चाचा, चाचा संभालिए अपने आप को। अबू चाचा मत संभालिए। मैं ये बार ये इम्तिहान आपके लिए जरूर क्लियर करूंगा, देख लेना। बशीर वापस आ जाएगा। सर बशीर ने 40,000 रुपए जमा किए थे रिक्रूटमेंट एजेंसी में, वो भी किसी फैमिली मेंबर की हेल्प के बिना। और उस्मान का लगातार सादिक और बशीर के कांटेक्ट में रहना, कहीं उस्मान उन्हें इलीगल काम के लिए तो पैसे नहीं देता था? ये तो उस्मान ही बता सकता। बिशक, आपने किसी भी खबरी से उस्मान के बारे में कोई खबर मिली? नहीं सर, लेकिन कोशिश जारी है, जैसी कोई टिप मिलेगी वो हमें बता देंगे। मिश्रा, इस उस्मान का पकड़े जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें जिस कड़ी की जरूरत है वो कड़ी शायद ये उस्मान ही। तो है ना? हाँ हमें पता है आप परेशान हैं, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, हम आपको कल आकर मिलते हैं। एक चाय देना। क्या खबर है शकील? आप थोड़ी देर में आपको पंक्ति में ही मिलेगा। खबर पक्की है? थोड़ी देर में यही आने वाला है, आपको इशारा करता हूँ। शाम अच्छी वाली चाय पिलाऊं? क्या उस्मान? हाँ अकेले चाय पिएगा क्या? कौन है भाई तू? पुलिस
चल लेके चलो, चल 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 रुक 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 जा रुक जा रुक चल। आप सब कुछ फटाफट बोल वरना इतना मारूंगा कि अपना नाम तक लेना भूल जाएगा। बोल साहब, हम ब्याज पे पैसा देते हैं साहब, इलीगल पैसा उधारी का धंधा है साहब। हाँ साहब, हम सादिक को जानते हैं, सादिक ही बशीर को हमारे पास लाया था कुछ ही महीने पहले। बोल सादिक। भाई हमारा दोस्त है बशीर, इसे 1,00,000 रुपए की जरूरत है। वो तो हो जाएगा, लेकिन इतने पैसे की गारंटी करता क्या है ये? भाईजान मेरा कुवैत में जॉब लगा है, वही जाने के लिए पैसे चाहिए थे बस। वो तो हो जाएगा, लेकिन इतने पैसे के लिए गारंटी तो होनी चाहिए ना। अरे भाईजान हम लेते हैं इसकी गारंटी, लड़का बहुत अच्छा है, हमारा करीबी कभी धोखा नहीं करेगा। हमारे धंधे में जो धोखा देता है उसको उसकी जिंदगी धोखा दे देती है। मुश्ताक जी। भाई भाई हर महीने ब्याज पहुंच जाना चाहिए। साहब बशीर ने कहा था कि कम से कम महीने का ब्याज तो दे ही देगा, लेकिन जब से पैसे लिए एक पैसा नहीं चुका है उसने साहब। हमने उन दोनों को फोन करना शुरू कर दिया, धमकी देना शुरू कर दी। एक बार तो उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली साहब, फिर बशीर ने फोन बंद कर दिया साहब। फिर बड़े ही मुश्किल से हमने सादिक से बशीर का दूसरा खुफिया नंबर लिया, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। दूसरा नंबर? हाँ साहब, पर यकीन मानिए हमने कुछ नहीं किया था साहब। कुछ नहीं किया तो गायब क्यों हो गया था साहब? हमें सादिक के मर्डर के बारे में पता चला तो हमें लगा कि आप लोग हमें ही पकड़ोगे, पर यकीन मानिए हमने कुछ नहीं किया। चाहिए तो हम कुरान पे हाथ रख के कसम खाने के लिए तैयार हैं। सर हमें तो 40,000 रुपए की बात का पता था, लेकिन बशीर ने तो 1,00,000 रुपए लिए थे कर्ज पर, बचे हुए 60,000 रुपए। शायद इस सवाल का जवाब ही इस केस का आखिरी पन्ना। बशीर के दूसरे नंबर के डिटेल्स निकलवाओ। यस सर। सर बशीर के दूसरे नंबर की डिटेल्स आ गई हैं। दो नंबर पर अधिकतर बात हुई है, एक नंबर उस्मान का है और दूसरा सादिक की बहन नफीसा का। लेके आओ इस नफीसा को। यस सर। नफीसा, हमने बशीर के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, उसमें सबसे ज्यादा बार तुम्हारे नंबर पे बात हुई। क्या चक्कर है ये? So, मैं और बशीर एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात घर वालों में किसी को नहीं पता। शीर अपने रिजल्ट को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि वो पहले भी मैथ्स में 2 बार फेल हो चुका है। अगर वो इस बार भी फेल हो जाता तो उसे नौकरी नहीं मिलती, और अगर उसे नौकरी नहीं मिलती तो वो हमारे अब्बू से निकाह की बात कैसे करता। पर अब सादिक भाईजान की मौत हो चुकी है, शीर कहाँ है हमें कुछ नहीं पता। आप प्लीज उसे खोज निकालिए, हमारे अब्बू से हमारे और शीर के रिश्ते की बात मत बताइएगा, ना अब्बू हमें बहुत मारेंगे और घर से भी निकाल देंगे। ठीक है, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, तुम जा सकती हो। और हाँ, उसका फोन आए या मिलने की कोशिश करे तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना। विशा, बशीर के घर का सर्च वारंट निकलवाओ, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। यस सर। सर सर आप ये कर क्या रहे हैं? हमारे पास आपके घर का सर्च वारंट है। सर्च वारंट? सर स्लिप के हिसाब से तो बचे हुए 60,000 रुपये बशीर ने असलम के अकाउंट में डाले थे। असलम? बोल, तेरी कोचिंग क्लासेस का पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने आ चुका है, कितने में बेचता है? 60,000 में। सही कहा ना, डमी स्टूडेंट बिठाता है। हम भी सोचें कि ऐसी कौन सी बूटी है तेरे पास कि फेल होने वाले स्टूडेंट भी तेरी कोचिंग क्लासेस में आते ही टॉपर बन जाते हैं।
सीधे सीधे बोलेगा ये उल्टा लटका। सर सर हम बताते हैं बताते हाँ सर, हमारा हमारा नेटवर्क है डमी स्टूडेंट्स का। पिछले 4-5 सालों से हम काफी स्टूडेंट को ऐसे ही पास कराते आए हैं। बशीर से भी तूने 60,000 रुपए लिए थे ना उसे पास कराने के लिए? हमने तेरे अकाउंट डिटेल्स चेक किए हैं, उसने तेरे अकाउंट में 60,000 रुपए डिपॉजिट किए थे। हाँ सर, बशीर 2 बार मैथ्स में फेल हो चुका था। हमने भी उसे अपने नेटवर्क के बारे में बताया, उसने उस्मान से पैसे जुगाड़ करके हमें पैसे दे दिए। हम खुद बैठे थे उसका पेपर देने के लिए। सादिक को क्यों मारा और बशीर का? सादिक को हमने नहीं मारा है सर, और बशीर का हमें नहीं पता। सच तो ये है कि बशीर हमें खुद ब्लैकमेल कर रहा था। किस बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा? सर, हमारा राज छुपाने के लिए उसने हमसे पैसों की मांग की थी। राज? कौन सा राज? डमी स्टूडेंट्स वाला? नहीं सर, सर हम और बशीर की भाभी रुकैया एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। हमने बशीर को समझाने की लाख कोशिशें की सर, पर वो सुनने को राजी नहीं था। जावेद चाचा और फरदीन भाईजान से ये राज छुपाने के लिए उसने हमसे पैसों की मांग की। देखो असलम भाई, चुप रहने की कीमत होगी 2,00,000 रुपये। आप मेरा काम कर दो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। उसको उस्मान को पैसे देने थे सर, पर हमारे पास भी कोई पैसे नहीं थे। इसीलिए तूने बशीर को गायब कर दिया? सर हमने किसी को गायब नहीं किया सर, और नहीं हमने किसी का मर्डर किया है। हमारा विश्वास करिए सर। सर आखिरी बार हमने बशीर को नफीसा के साथ देखा था। हमको मालूम था कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, पर सादिक को ये बात नहीं पता थी। और हमने सोच सोच के टमाटर की तरह लाल हो गए हैं। इतना भी क्या सोचना, एग्जाम दे दिया ना, अल्लाह ताला सब अच्छा करेंगे। सादिक मियां, अपने घर की आबरू दोस्त को सौंप दिए क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो भाईजान आप? यकीन नहीं आ रहा तो खुद आकर देख लो झील के पास। सर उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता, बस सीधा ये खबर आई कि सादिक का कत्ल हो गया और बशीर लापता है। हेलो, ठीक है हम अभी पहुंचते हैं। मैं इस बार आपको बिल्कुल मायूस नहीं करूंगा, मैं ये बार ये इम्तिहान आपके लिए जरूर क्लियर करूंगा। वो हमारा बशीर पास हो गया। बेटा तू पास हो गया बशीर, पास हो गया, उठना उठ, अपने अब्बू की बात सुन बशीर, बेटा उठना। मिठास तो काफी है, लेकिन अगले साल हम अपनी कमाई से खिलाएंगे सबको। उठना उठना बशीर। मैथ्स के इम्तिहान में पास होने के लिए बशीर ने गलत राह चुन ली थी, क्योंकि वो जानता था कि उसके सपनों की मंजिल का रास्ता तब तक साफ नहीं हो सकता जब तक कि वो मैथ्स का पेपर क्लियर ना कर ले। लेकिन परवाज भरने से पहले ही किसी ने उसके पंख ही नहीं बल्कि उसकी जान भी ले ली। आखिर किसने किया था बशीर का कत्ल? क्या असलम ने जो पुलिस को बयान दिया था वो सही था? सादिक को हमने नहीं मारा है सर, और बशीर का हमें नहीं पता। पुलिस ने इस केस की तह तक जाने के लिए अपनी तहकीकात और तेज कर दी। तुमने हमें अपने और बशीर के अफेयर के बारे में तो बताया, लेकिन एक बात बताना भूल गई कि गायब होने से पहले बशीर तुम्हारे साथ था। हमें असलम ने सब बता दिया। हमें पहले से ही शक था कि तुम झूठ बोल रही, लेकिन अब हमें सच जानना है। क्या हुआ था उस शाम? सोच सोच के टमाटर की तरह लाल हो गया। ना भी क्या सोचना, एग्जाम दे दिया ना, अल्लाह ताला सब अच्छा करेंगे। क्या हुआ बशीर? हुआ कुछ नहीं, पर अगर अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले तो पक्का कुछ हो जाएगा। हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से।
हाँ सादिक। हाँ बशीर, किसके साथ है? नंद। पीछे मुड़ के देख। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, ऐसा हाथ उठाने लगे। साले मेरी बहन की इज्जत के साथ खेलता है, दोस्त बनकर धोखा देता है। जान बचाने की कोशिश करे थे, उसी में मारे गए। हम दोनों बहुत डर गए थे, राजमान धक्का दे दिया। बशीर ने हमें वहाँ से फौरन जाने के लिए कहा, वहाँ से चले गए और बशीर भी वहाँ से चला गया। मैं ये सब इसलिए किया ताकि हम पर किसी को शक ना हो, ये सब एक्सीडेंट लगे। तो फिर बशीर को किसने मारा? पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बशीर को मारा किसने। बशीर की लाश जिस लोकेशन पर मिली थी, पुलिस ने वहां फिर से पूछताछ की तो उनके हाथ एक अहम जानकारी लगी जिसने इस केस का रुख ही बदल दिया। सब दो दिन पहले एक बंदा आया था, खाकी वर्दी में आया था, वो चपरासी पहनते हैं ना कपड़े स्कूल में, वैसा। सब वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, वो बनवाने आया था। बहुत जल्दी में था, बहुत परेशान लग रहा था। सब वो मुझे 100 रुपए तक देने को तैयार हो गया था 50 की जगह। उसकी शक्ल याद है तुझे? हाँ साहब याद है। स्केच बनवा सकते हैं? हाँ जी। मिश्रा, हाँ साहब, हमने ही बशीर को मारा। स्कूल में सारे टीचर जावेद चाचा को बशीर को प्यून की नौकरी दिलाने की बात कर रहे थे साहब। इस बार अगर बशीर ने 12th पास कर ली ना तो उसकी नौकरी पक्की। मैं मैनेजमेंट से बात करके उसकी प्यून की नौकरी पक्की करवा दूंगा। साहब हम 3 साल से यहाँ पर घिस रहे हैं साहब, ईमानदारी से काम कर रहे हैं साहब, पर हमको अभी तक परमानेंट नहीं रखा गया। हमको परमानेंट होने के लिए बशीर को रास्ते से हटाना जरूरी था। जब बशीर के 12th पास की खबर हमको मिली तो हमारा सरदर्द बढ़ गया। अब वो हमारा बशीर पास हो गया, अब तो बशीर को हमारी जगह पर प्यून की नौकरी मिलना तय हो गया था साहब। हमारी नौकरी खतरे में थी साहब, हमारे पास पेट पालने के लिए इस नौकरी के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था साहब। फिर एक दिन वो बशीर स्कूल आया। अरे बशीर, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे अब्बू तुमको लेकर कितना परेशान है। हाँ कहाँ है हमारे अब्बू? हाँ मैं उनसे बात करनी है। आप पगला गए हो क्या? पुलिस तुमको ढूंढ रही है, किसी ने देखा तो नहीं तुमको यहाँ आते हुए? अच्छा देखो एक काम करो, स्कूल के पीछे सुनसान रोड पर मिलो, वहाँ कोई आता भी नहीं है, हम तुम्हारे अब्बू को लेकर आते हैं। ठीक है? पक्का लाओगे ना? हाँ हम पक्का लाएंगे, तुम वहीं पर चलो, हम आते हैं। नदीम भाईजान, अबू 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 कहाँ? अबू आ रहे हैं पीछे। तो कहाँ पे? साहब हमसे गलती हो गई साहब, हम स्वार्थी हो गए थे, नौकरी गंवाने का डर हमारे दिल में बैठ गया था साहब। तेरो डर और स्वार्थ ने तुझे क्या दिया? बशीर तो ये नौकरी करना ही नहीं चाहता था, उसके सपने बड़े थे,
वो तो कुवैत जाना चाहता था, अब सारी जिंदगी सड़ना जेल में। अगर इस बार तू पास हो गया ना तो कैसे भी करके तुझे मोटरसाइकिल जरूर दिलवाऊंगा। मैं ये बार ये इम्तिहान आपके लिए जरूर क्लियर करूंगा। वो हमारा बशीर पास हो गया। एक तरफ ये मैथ्स का पेपर बशीर की परेशानी का सबब बना, जिसे सुलझाने के लिए उसने गलत कदम उठाए। वजह चाहे जो भी हो, इन दोनों के कदम को कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए जरूरी है, लेकिन इस बात पर ध्यान देना भी जरूरी है कि कहीं वो इसके बोझ तले इतने भी ना दब जाएं कि गलत राह पर निकल पड़े। और विद्यार्थियों से गुजारिश है कि वो अपनी काबिलियत को पहचाने, खुलकर अपनी मुश्किलों को बयां करें ताकि उनका हल निकाला जा सके। वक्त के साथ साथ हमने अपने समाज में और अपने रहने के ढंग में काफी सुधार किया है। लोग सभ्य बने, एक साथ आगे बढ़े, इसके लिए हमने पढ़ाई, किताबों और विद्यालयों का निर्माण किया। लेकिन जो चीजें हमने मनुष्य जाति की भलाई के लिए बनाई थी, आज वही काफी बच्चों के गले का फंदा बन चुकी है। हम किसी मछली को भागने की प्रतियोगिता में और किसी चीते को तैरने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नहीं कह सकते। याद रखें, गलत राह पर चलकर कभी भी सही मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। और ये भी कि पांचों उंगलियां कभी एक समान नहीं होती, लेकिन फिर भी पांचों की अहमियत एक दूसरे से कभी कम नहीं होती। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को। सीख हम सबको। जय हिंद।